का हम लोग लास्ट क्लास कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए। ये इस तरीके का जो सम है ना, इन्फिनिटी माने खूब हार्ड करना रहता है, तो इन्फिनिटी वाला सम देता है। जो लोग क्लास किए उनको भी समझ आएगा, जो लोग नहीं किए उनको भी समझ आएगा, क्योंकि पूरा नया कंसेप्ट है। पूरा क्या है? नया कंसेप्ट है। इन्फिनिटी का सम देगा तो कैसे बनाएंगे, अच्छे से सुनिए। बोर्ड में देखिए, इन्फिनिटी का सम अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सुनिए। 1/x का मतलब होता है 1 × u। 2/x² का मतलब होता है बनाए ऊपर वाला रख लो, मल्टीप्लाई में नीचे वाला, x के बदले u हो जाए, x के बदले क्या हो जाएगा u। और 2/x² 2 रख लो ऊपर वाला, x² के बदले क्या हो जाएगा u²। समझ रहे हैं आप लोग? और मान लीजिए यहाँ 5/x³ है तो 5 रख लो, x³ के बदले क्या हो जाएगा u³। ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्म में आएगा तो u से ऐसे ही तोड़ेंगे। समझ गए क्या बोले? आप सुनिए, अगर दिया जाएगा लिमिट 1/x, x का वैल्यू जो है इन्फिनिटी है, क्या है, ये पलट के 8 लिखा हुआ माने इन्फिनिटी है। समझ गए क्या बोले? तो इन्फिनिटी को हम लोग x के बदले u देते हैं और इन्फिनिटी के बदले क्या देते हैं, जीरो। समझ गए क्या बोले? इन्फिनिटी के बदले क्या देते हैं, जीरो। माने इसको ऐसे सोल्व करना, इसको ऐसे सोल्व करना। अब एक क्वेश्चन दिए हैं, लिमिट x का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और x² + 2x + 5 + 2x³ + x + 3। सोल्यूशन में हम सेम चीज़ को लिखे हैं, सोल्यूशन में हम क्या लिखे हैं भाई, सेम चीज़ को लिखे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छे से सुनिएगा एकदम। सबसे पहले ये x को सोल्व करिए, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो देखिएगा कि इसमें x का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। देखिए तो x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, x³, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी हो, x का सबसे ज़्यादा वाला पावर देखो। क्लियर? यहाँ देखिए क्या है, हेयर हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म क्या है, x। टर्म क्या भाई, इन द डिनोमिनेटर x³, सो वी विल डिवाइड ऑल द टर्म बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे x³ से। माने इसमें सबसे बड़ा देख लीजिए कौन सा है, और जो सबसे बड़ा है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड। समझ रहे हैं क्या? पावर से। किससे कर दीजिए, x³ से। किससे डिवाइड कर दीजिए? आप देखिए, हाथ को स्टॉप करिए, अच्छे समझिए। देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लिमिट x का वैल्यू तो इन्फिनिटी है, रखिए इन्फिनिटी पहले, x² को क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, x³। 2x को क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, x³। 5 को क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, x³। देख रहे हैं जी, अभी नीचे वाला। 2x³ को क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, x³। फिर क्या, x है तो x को क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, x³। फिर क्या, 3 है, 3 है ना, 3 है तो 3 को 3 डिवाइड करेंगे, x। कोई तकलीफ नहीं? अब कट करिए, देखिए x³ है तो ऊपर तो x² कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। देख रहे हैं आप लोग क्या बचेगा ऊपर में, 1/x। x² तो कट गया ना, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, x², कहाँ से बचेगा समझ में आ रहा है? अरे 1x तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, x² बचेगा ना, और यहाँ क्या हो रहा है, 5 / x³ कट नहीं गया, यहाँ पे पूरा कट गया, क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा भाई, क्या बचा, x 1/x² और यहाँ क्या बचा, 3/x³। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो पहले बोल दीजिए, यहाँ तक कोई तकलीफ है, बोलिए, बोलेगा तब ना, ना ना कोई तकलीफ। अब हम क्या बोले हैं आप लोगों को, यहाँ देखिए क्या बोले हैं आप लोगों को, कि x का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, u का वैल्यू 0, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x का जगह u इन्फिनिटी के बदले 0। अब ये बचा 1/x, तो 1/x जब ये u का पावर 0 करिएगा ना, तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, ये 1/x है ना, तो 1 × u, हाँ 1 × u, देख रहे हैं, फिर प्लस है, प्लस 2 × 2 रखिए, x² क्या होगा, 2 × u² समझ रहे हैं आप लोग क्या, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे माने इसको हटाएंगे, x का वैल्यू इनपुट u जैसे ही मारेंगे तो डिवाइड वाला उस फॉर्मेट में आने लगेगा,
समझ गए, ऊपर का रख लीजिए, वन है तो वन रख लीजिए इनटू यू, अब स्क्वायर है तो यू स्क्वायर, क्यों है तो यू क्यू, समझ गए क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा यहाँ पे क्या फाइव, तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव इंटू यू का पावर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू है, तो यहाँ तो डिवाइड में है, डिवाइड में रहेगा उसको करना है, कुछ तो डिवाइड में नहीं आ रहा तो टू का, समझ गए, यहाँ क्या वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वन इंटू यू, और थ्री बाई एक्स क्यूब है ना, तो थ्री इंटू यू, देख रहे हैं, अब यू का वैल्यू तो जीरो है, जहाँ जहाँ यू है उसका वैल्यू भर दो जीरो, जहाँ जहाँ यू है यू का वैल्यू तो जीरो हो गया है, तो जहाँ जहाँ यू दिखाई दे रहा है वहाँ क्या भर दो जीरो भर, हाँ भरते हैं, अच्छा इसका वैल्यू भरते हैं लिमिट एलिमिनेट हो जाए, ये सोल्व करते हैं लिमिट वाला जो वर्ड है वो हट जाता है, वैल्यू हटा वैल्यू डाल दिए तो इसका कोई काम नहीं है, ये हट जाए तो क्या बचा वन इंटू जीरो टू इंटू जीरो का स्क्वायर फाइव इंटू जीरो का क्यूब, टू रखो वन इंटू जीरो का स्क्वायर थ्री इंटू जीरो का क्यूब, तो जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, जो जीरो तो ऊपर में तो सब जीरो ही बचेगा भाई, और नीचे क्या बचेगा जीरो बाई टू इक्वल टू क्या आंसर होगा, कोई तकलीफ no, एक ऐसा देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, पहले कॉपी करेंगे तभी हम दे पाएंगे, हम पूछे 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 यहाँ पे ये वाला फिर से ये सर u u 0 और 1 x तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया, सुनिए भाई सुनिए, x का वैल्यू इनफिनिटी है तो इनफिनिटी तो हम जानते नहीं क्या होगा, तो इसका मतलब सर इससे ऊपर वो ब्रैकेट वाला बॉक्स में जो लिखा है ये वाला, हां ये फार्मूला है लिमिट 1 बाय x, x का वैल्यू इनफिनिटी, तो x का वैल्यू इनफिनिटी है इसके बदले सेम ये चीज रहेगा u का वैल्यू जीरो, सर क्वेश्चन देखिए समझ रहे मान इसके बदले ये आ जाए, इसके बदले ये आ जाएगा समझे, और ये आएगा कि इसके बदले ये आएगा तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा डिवाइड, जैसे यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या इन्फिनिटी है, x का वैल्यू क्या इन्फिनिटी, तो u के बदले जीरो आ गया, अब इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, u मारते हैं इस फॉर्मेट में लिखना होगा, समझ गए, तो इस फॉर्मेट में लिख के u का वैल्यू बनाओ, किसी यहाँ पे लिखेंगे बट नहीं लिखे हैं हम, कल यहाँ पे इसको सॉल्व किए हैं, इसको अभी रहने दिए, इसको करेंगे तो फिर वन इंटू यू होगा, समझे, इसको सॉल्व नहीं किए हम, दिखाए हैं के लिए एक तो देते हैं आप लोग बनाइएगा, दीदी बात नहीं इसको सर, सेम तरीका से सॉल्व होगा, टू बाई थ्री होगा, देखिए आप लोग बोर्ड में देखिए, बात नहीं दो नंबर का आंसर रहेगा टू बाई थ्री, और एक तो थ्री नंबर दिए हैं, सबसे बड़ा एक्स बाई सिक्स है, इसका आंसर रहेगा जीरो डिवाइड बाई माइनस वन, ठीक है, अब हम लोगों को एक और नया क्वेश्चन दिए हैं इधर में, ये देखिए ये देख रहे हैं बालक लोग, हाथ स्टॉप करिए तो, और बालक हाथ स्टॉप, एक और क्वेश्चन दिया है evaluate limit x का पावर इनफिनिटी x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x का वैल्यू क्या है इनफिनिटी, इसको डिवाइड बाई वन लिख देंगे, इसको डिवाइड बाई वन, नीचे तो वन किसी का भी लिखा जा सकता है, नीचे वन किसी का भी लिखा जा सकता है, अब ये माइनस में है
क्या चीज में पूरा माइनस, तो हम इधर में प्लस में खुद से ऊपर भी सेम लिख देंगे नीचे भी सेम, ऊपर भी सेम लिखेंगे नीचे भी सेम, उसका वैल्यू वन कटेगा तो वन ही आता है ना। अच्छा इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है देखिए, तो इसका मतलब दिखाई दे रहा है ए माइनस बी, देखिए ऐसी होता है ना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए तो दिखाई दे रहा है ना, एक तो माइनस में एक तो माने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यही दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस इसका स्क्वायर, नीचे एडजेक्टिव उतर जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो बचेगा क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स है ना, तो एक्स प्लस में इधर है तो माइनस में कट जाएगा, बचा क्या लिमिट एक्स का पावर इन्फिनिटी ए एक्स और डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर प्लस एक्स, क्लियर। अब इसमें एक्स सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से हाईएस्ट डिग्री अब तक मैक्स क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म एक्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है ना, तो डिवाइड करिए लिमिट एक्स का वैल्यू इंफिनिटी एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, है ना, बताओ कितना होगा, क्या आ रहा है नीचे वन रहेगा a into u, और ये क्या रहेगा, u का वैल्यू वन, सब इसमें प्लस होगा सर, मल्टीप्लाई नहीं होगा, वन लिखे मल्टीप्लाई, वन into मल्टीप्लाई प्लस होगा, ठीक है, चल, देखो क्या हो रहा है उसके बाद, ठीक है, a into zero जाएगा, a into zero, हाँ, one plus a into zero कोई तकलीफ, दो सौ सम ऐसा और लिख देते आप लोग बनेंगे समझ गए घर पे, इसी के साथ लिमिट चैप्टर, हाँ उतार लीजिए आप लोग, हम क्वेश्चन अपन लिख दे रहे हैं उनसे, तुम चार नंबर पांच लिमिट एक्स का वैल्यू इनफिनिटी सेवन माइनस टू एक्स बात है, सेवन माइनस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस ये बना के लाना है।